सो हे गाइस, आफ्टर अ लॉन्ग टाइम वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। आई होप आप सभी अच्छे से होंगे और मैं भी हूँ अच्छे से। जैसा कि आप सभी को पता है, इस साल की बारिश बहुत ही ज़्यादा हुई है, मतलब सारे रिकॉर्ड ही तोड़ दिए हैं। पिछले 4-5 दिनों से बारिश है कंटिन्यूसली। और दिखाती हूँ आप सभी को, मुझे जाना है शिमला, तो जो हमारा रोड है वो नहीं है, ओपन है, तो मैं आई हूँ दूसरे रोड से। इसमें मुझे पैदल आना पड़ेगा एटलीस्ट 15 किलोमीटर्स, तब जाके मैं किसी दूसरे रोड पे पहुँचूँगी जहाँ से मुझे कुछ मिलेगा। तो दिखाती हूँ आप सभी को जहाँ से मैं पैदल आ रही हूँ ये रास्ता, और साथ में देख रहे हैं ये है नदी, क्योंकि बहुत ही बड़ी और ख़तरनाक है, चलना पड़ेगा मुझे बहुत ही ध्यान से। छोटा छोटा रास्ता और ये पूरी नदी, ये है पुल। है पुल, ये पुल ही एक ऑप्शन है यहाँ पे, नहीं तो नदी क्रॉस तो नहीं कर सकते। ये देखो, तो गाइज हम आए हैं 15 किलोमीटर पैदल ही, और अभी हम आधे रास्ते में हैं। तो दिखाती हूँ आपको सभी को ये नदी का व्यू, इसमें बहुत ही पानी, जैसे कि आप सभी देख ही रहे हैं। अभी हमें जाना है काफ़ी दूर, और वहाँ से हम करेंगे कैब बुक, फिर जाएंगे हम सोलन। हम पुल पे ही हैं अभी, हमें जाना है पुल से थोड़ा दूर, जो कि पैदल ही जाना है, और वहाँ से बुक करेंगे हम कैब, जो कि सोलन के लिए। अभी हमें आगे का पता नहीं है कि सोलन का रास्ता कैसा होगा। इधर वाली साइड, इसको मेरे ब्लॉग इधर वाली साइड। अरे बस पुल कर लिया है हमने क्रॉस, अभी जाना है हमें पैदल, काफी पैदल जाना है। सो गाइज, अब थोड़ा ही दूर है, और मैं दिखाती हूँ आपको यहाँ का व्यू भी, जो कि ये सामने दिखाई दे रहा है मेरा स्कूल, और ये है यहाँ का व्यू। और यहाँ भी इकट्ठा होता है बहुत पानी, और हम थोड़ा पहुँचने वाले हैं, बस थोड़ा ही दूर है। सो गाइज, फाइनली अब हम पहुंच गए हैं गिरी पुल, और हमने कैब बुक कर ली है यहाँ से सोलन के लिए। बाकी दिखाती हूँ आप सभी को आगे का रास्ता, क्योंकि अभी हमें पता नहीं है कि आगे का रास्ता कैसा होगा, कि हमें वापस भी आना पड़ सकता है। तो दिखाती हूँ आपको आगे का रास्ता। सो गाइज, आप लोग सोच रहे होंगे कि ऐसे मौसम में मुझे जाने की क्या ज़रूरत थी, तो गाइज़ मैं आपको बताना चाहूँगी कि मेरा जाना था बहुत ही ज़रूरी, क्योंकि मेरे पास थी मेरे ऑफिस की चाबी, जो कि मुझे ट्यूब जाना है और मुझे वहाँ देनी है, इसलिए मेरा जाना था बहुत ही ज़रूरी, इसलिए मैं इतना बड़ा रिस्क लेके जा रही हूँ। और गाइज, दिखाती हूँ आपको अभी का रिसेंटली वाला एक सीन, कि हमारी गाड़ी बस 2 मिनट पीछे खड़ी थी, और ऊपर से एक लैंडस्लाइड हो गया, इसलिए गाड़ियाँ अभी यहाँ पर इकट्ठी हो रही है। सो गाइज, पूरा 1 घंटे के बाद हम वहाँ से हुए हैं फ्री, और जैसा कि आप सभी देख ही रहे हैं, यहाँ की रोड की कंडीशन है बहुत ही ज़्यादा बुरी, हर जगह लैंडस्लाइड गिरे हैं, और अभी मुझे जैसे दिखाई दे रहा है रोड से ही हर जगह लैंडस्लाइड हो रहे हैं, पेड़ भी गिर रहे हैं। देखो आगे का दिखाती हूँ मैं आप सभी को कि हम सोलन तक कैसे पहुँचेंगे, मुझे खुद भी नहीं पता, क्योंकि सोलन में ही आज बादल फटा है। बहुत जगह है ना ये बोली लैंडस्लाइड, हाँ जी, हर जगह है ऑलमोस्ट। सो गाइज, हम एंटर हो गए हैं सोलन में, और सोलन के रोड की कंडीशन है बहुत ही ख़राब, दूसरी जगह बादल बताए हैं, हमें वहाँ से लेना पड़ेगा ये टर्न, जिससे कि हम पहुँचेंगे दूसरी वाली बाईपास की साइड। आते हो आप सभी को सोलन से कैब, क्योंकि बसेस नहीं चल रही है, इसलिए मुझे कैब करके ही आना पड़ा है सोलन से ठियोग तक।
तो गाइस फाइनली मैं पहुंच गई हूँ ठेऊब। यहाँ का मौसम भी है कुछ इस तरह से, मतलब अभी थोड़ी धूप लगी है बट ऑलमोस्ट ख़राब मौसम है, बारिश के आने के चांसेस भी है। और शिमला का मेन हाईवे भी था बहुत ही ख़राब, मैं पूरा व्लॉग शूट नहीं कर पाई क्योंकि मेरे फ़ोन में नहीं थी बैटरी, इसलिए मैं अभी जस्ट पहुँची हूँ घर पर। सो आई होप आपको ये मेरा छोटा सा व्लॉग पसंद आएगा। गाइस ऐसे मौसम में बाहर जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, बी सेफ और आप घर पे रहिए। एंड मिलती हूँ जल्दी ही आप सभी से नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय।